अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीकेंड लंदन में बारिश की नज़र हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन यकीन जानिए ये रात का टाइम नहीं है, अभी दिन है और बादल ऐसे छाए हैं जैसे रात हो गई हो, क्योंकि लंदन और सूरज का तो वैसे भी वही रिश्ता है जो किसी नाराज़ बहू का या ससुराल का होता है, और स्पेशली सर्दियों में ये रिश्ता और गहरा हो जाता है, नाराज़ बहू और ससुराल वाला। जैसे कोई नाराज़ बहू नाराज़ होकर हर वक्त मेके में जाके बैठी रहती है और ससुराल वाले बेचारे गिला करते रहते हैं कि हर वक्त वहाँ रहती है, यहाँ तो हमें नज़र भी नहीं आती। तो सर्दियों में यही हाल लंदन और सूरज का हो जाता है, सूरज किसी नाराज़ बहू की तरह कहीं जाके बैठ जाता है, छुप जाता है, और लंदन वाले ससुराल की तरह गिला करते रहते हैं कि यहाँ क्यों नहीं आता। दुबई में देखो कैसे जाके बैठा हुआ है, चमकदार धूप है, यहाँ तो हर वक्त बारिश और बादल रहती है। तो इस वीकेंड पे भी यही हाल था, तो मैंने सोचा कि घर में बैठ के टीवी नेटफ्लिक्स कितना देख सकता है इंसान, तो बेहतर यही है कि कुछ बाहर निकलें, कुछ फ्रेश एयर लें और लाइब्रेरी से जाके कोई किताब उठा के लाई जाए, क्योंकि किसी ने कहा था कि किताब एक ऐसा ख्वाब है जिसको आप हाथों में पकड़ सकते हैं, और ख्वाबों की जो मार्केट है खुशकिस्मती से यानी कि लाइब्रेरी, वो मेरे घर के पास ही है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं लाइब्रेरी और कुछ अच्छे अच्छे ख्वाब उठा के लाते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी किताबें। सो लेट्स गो। लंदन की इस लाइब्रेरी में, बल्कि हर लाइब्रेरी में ही उर्दू बुक्स का भी सेक्शन होता है, जैसे कि ये आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सी अच्छी उम्दा उर्दू बुक्स जो हैं वो दस्तयाब हैं। ये निमरा अहमद की जन्नत के पत्ते भी नज़र आ रही है जी। ये मुस्तनसर हुसैन साहब की मैंने बुक सेलेक्ट की है, 15 कहानियाँ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो उम्मीद है कि अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ही होंगी, कुछ टाइम पास हो ही जाएगा। तो यहाँ बेसिकली प्रोसेस होता है लाइब्रेरी का, आपका ये एक जैसे आपको नज़र आ रहा है माय लाइब्रेरी कार्ड, तो आपका एक लाइब्रेरी कार्ड बनता है, आप अपने टाउन की लाइब्रेरी से रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह, तो आपको ये कार्ड इशू होता है। तो इस कार्ड पे आप किसी भी वक्त कोई भी जो बुक है वो इशू करवा सकते हैं, बारो कर सकते हैं, 2 से 2.5 वीक का टाइम होता है, आप बुक रख सकते हैं, उसके बाद अगर एक्सटेंड करें तो आपकी बुक एक्सटेंड होती रहती है जितना अर्सा आप रखना चाहें। तो यहाँ आपको इन पर्सन भी हेल्प होती है, लोग हैं जो करते हैं, लेकिन मशीन भी है, सेल्फ सर्विस मशीन जो होती है, वहाँ जाके आप खुद अपना कार्ड टच करें और बुक आप इशू करवा सकते हैं जी। सामने आपको ये एक सेल्फ सर्विस मशीन नज़र आ रही है, इसमें ये बोरो का ऑप्शन है, तो वो आपको अपना लाइब्रेरी कार्ड जो है उसको स्कैन करते हैं, उसने ऑटोमेटिकली देखिए उसमें बुक का नाम जो है 15 कहानियाँ लिखा हुआ आ गया है, और आप फिनिश करें इसको तो आप, अगर आप प्रिंट चाहिए रिसिप्ट चाहिए तो आप प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट नीड रिसिप्ट, या ले लेते हैं रिसिप्ट आपकी, ये रिसिप्ट आ गई है ये देखिए, आपको बता रहा है कि 29 जनवरी तक टाइम है मेरे पास, ये मैं बुक रख सकता हूँ, तो बुक आप स्कैन करें, जॉब डन एंड लेट्स गो आउट नाउ। जी हमने देखा कि कितना एक अच्छा स्मूथ प्रोसेस है, आप अपना कार्ड टच करते हैं और अपनी बुक्स आप खुद इशू करके तो आप निकल जाते हैं, कोई आपसे पूछता नहीं कि कितनी बुक्स आपने ली, आपने 5 बुक्स उठाई, एक आप स्कैन करें, बाकी आप ऐसे ही लेके आप चले जाएं, कोई आपको ऐसा चरोकता नहीं, ना पूछता है ना देखता है,
इतना ट्रस्ट जो है वो अपने लोगों पे यहाँ किया जाता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी उस ट्रस्ट का जवाब जो है बड़ी ईमानदारी और खलूस के साथ देते हैं। हम अपने जो एशियन लोग हैं उनकी अक्सर शिकायत करते हैं, या वहाँ के निज़ाम की हम शिकायत करते हैं कि वहाँ निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, या हमारे लोग इतने अच्छे नहीं हैं। वो जैसे लोग मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज के दौरान उनको इस बात की फ़िक्र नहीं लाहक होती कि मेरी नमाज़ कबूल हो रही है या मैं ठीक से नमाज़ पढ़ रहा हूँ या नहीं। उनको इस बात की फ़िक्र ज़्यादा होती है कि मेरे जूते जो बाहर पड़े हैं वो बहुत कीमती हैं, कोई वो जूते उठा के ना ले जाए। या आपने देखा होगा कि सड़क किनारे अगर कोई पानी की सबील लगी है, लोगों के लिए एक पानी की जगह बनाई गई है, तो उसके साथ जो ग्लास लगा है उसको जंजीर के साथ, उस मशीन के साथ बांध दिया जाता है कि कोई ग्लास ही उठा के ना ले जाए। तो ये बेसिकली कल्चर एक डेवलप होता है करते करते। उसका हम कैसे कर सकते हैं, उसमें ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि हमारे लोग अच्छे नहीं हैं या हमारा निज़ाम अच्छा नहीं है। एक्चुअली हमने अपने लोगों पर ट्रस्ट करना सीखा ही नहीं है। जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते तो उसमें उनमें एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, तो फिर उनको जहाँ भी मौका मिलता है वो उस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें करना यही होगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे निज़ाम को थोड़ा सा अपने लोगों पर ट्रस्ट करना सीखें। जैसे लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ में भी ऐसा ही निज़ाम होना चाहिए। आप कार्ड्स इशू करें लोगों को, उनको स्कैन करके लेके जाने दें। शुरू में शायद कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं कि साथ में ही निज़ाम जो है वो स्मूथ चलने लगेगा। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब आप लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, उनको ट्रस्ट देंगे, जैसे मस्जिद में है, आप जूते होते हैं, इंतज़ामिया को चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा जूते वहाँ पर रख दे, और साथ नोट लिख दिया जाए कि चोरी करना बुरी बात है, अगर किसी को जूतों की ज़रूरत है तो यहाँ से एक जूतों का पेयर आप उठा सकते हैं। तो ये लोगों में एक डेवलप करती है, उनकी तरबियत होती है कि हमने ये काम नहीं करना, ये हमने गलत काम है, ये हमने नहीं करना। तो करते करते एक निज़ाम जो है, कल्चर जो है, एक कौम में डेवलप हो जाता है। तो हमें अपने लोगों पर ट्रस्ट करना होगा। जब हम उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, उन पर वॉच रखना, हर वक्त उनको चोरों की तरह ट्रीट करना कि कोई आपको देख रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो जब आप ट्रस्ट करेंगे तो सारा निज़ाम जो है करते करते एक कल्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा, और आपके लोग जो है उनकी तरबियत हो जाएगी। मेन चीज़ है ट्रस्ट करना कि आप अच्छे लोग हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए हैं, आप इनको इस्तेमाल करें, बस कोशिश करें कि इनको मिसयूज़ ना करें। उसके बाद उनको आज़ादी दे दें। जब आप आज़ादी देंगे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, तो फिर उनको अगर मौका मिलेगा भी तो वो कोशिश यही करेंगे कि हम अच्छा काम करें।